गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे, अच्छे ही रहना। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इनफैक्ट 2 महीने हो चुके हैं ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और टाइटल से आपको पता चला रहेगा, हम लोग हमारा चेंज पॉकेट है ये चेंज कर रहे हैं। मतलब जो ओरिजिनल जो आता है वो 46 ईद का आता है, हम लोग 46 से इसको 44 के लिए कर रहे हैं। 44 करने की वजह ये है कि हमारा जो क्रूजिंग स्पीड है ये इसका बढ़ेगा, पिकअप थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन इसका क्रूजिंग स्पीड बढ़ेगा। तो अभी हम लोग गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, देख सकते हो बैकग्राउंड में। तो अभी हम लोग इसको खोल रहे हैं, आपको बताते हैं ये क्या हो रहा है। सो गाइस, अभी हम ये ब्रेक असेंबली जो है इसको डिसमेंटल करेंगे ताकि ये व्हील निकाल सके अभी। सो दोस्तों, इस बार काम नीलेश कर रहे हैं, राकेश गाँव गया है। नीलेश ये 6 नट जो है निकाल दिए और इसी पे स्पॉकेट फिट रहता है। तो आप देख सकते हो ये अभी ये व्हील हब निकाला है। ये जो टीथ है ओरिजिनल स्पॉकेट के, ये 46 है। तो हम लोग 46 से इसको 44 पे कर रहे हैं। तो ये हमारा पुराना स्पॉकेट और ये है वो स्पॉकेट जो 44 टीथ है, जो अभी हम लोग इसमें फिट करने वाले हैं। आप देखो कि ये पुराना है, पुराना इसके लिए क्योंकि मैंने किसी से ये ले लिया टेस्टिंग के लिए। मैंने अपने लिए एक नया बनवा के लिया, लेकिन पहले मैं इसको पुराने को टेस्टिंग करूँगा, उसी के बाद मैं नए की फिटिंग करूँगा। अभी ये रबर्स जो फिट हो रहे हैं इनको बफर रबर्स बोलते हैं। ये जो हब है व्हील का, ये इसमें बैठता है। जब भी आप एक्सेलेटर देते हो जो झटका आता है ना, तो ये बुश जो है, ये रबर्स जो है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा झटका लगता नहीं है। तो गाइस, पॉकेट की फिटिंग हो चुकी है। अभी ये व्हील चढ़ेगा गाड़ी पर, तो अभी मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हेल्प करना है उसे। गाड़ी में थोड़ी बेंड करूँगा तभी वो व्हील लगा पाएगा। तो चलो, व्हील लगाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। ये व्हील हगर है, इसको निकालेंगे ताकि व्हील फिट करने में दिक्कत ना हो। ये ज़्यादा नहीं, ये 4 बोल्ट पे रहता है 10 के। देखो कितनी आसानी से निकल गया। ये निकालने से हमारी काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी और व्हील लगाने में तकलीफ नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो व्हील लग चुका है और अभी ये ब्रेक कैलिपर की फिटिंग हो रही है। ये अभी व्हील की फिटिंग भी हो चुकी है, अभी बोल्ट टाइट हो रहा है, मतलब नट बोल्ट टाइट हो रहा है व्हील का। मेन दिक्कत सिर्फ ये है कि अभी हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि 44 टीथ होने की वजह से चेन लंबी हो गई है और एडजस्टर्स को भी पूरी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हार्डली कुछ हमारे लिए बचेगा एडजस्टमेंट करने के लिए।
भाई सभी व्हील एडजस्टमेंट हो रहे हैं और आप देख सकते हो पूरी सेटिंग हो गई ऑलमोस्ट, एक दो थ्रेड्स और हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं कि हमको चेन नहीं काटनी पड़े, क्योंकि अगर ये अगर सेट नहीं हो रहा है तो हमको चेन के दो लिंक्स तो काटने पड़ेंगे ताकि ये चेन अच्छी तरह से एडजस्ट कर सके हम। तो गाइस अभी ब्रेक पैड लग रहे हैं, मतलब व्हील फिट करने के लिए ब्रेक पैड्स निकाले थे। सो गाइस चेन लग चुका है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हो काशी है। लोकेशन अलग है क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायल मारने आए थे। अभी तो ट्रायल में एक छोटी सी राउंड में तो पता नहीं चलेगा, जब हम इसको हाईवे पे लेके जाएंगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कैसे परफॉर्म करी है। एक अच्छी बात हुई कि बिना चेन कट किए उसी चेन में ये फिटिंग हो गया। नो डाउट उसका सेटिंग्स थोड़ा सा बचा है, मतलब ज़्यादा अभी प्ले कर नहीं सकते हम लोग सेटिंग्स के साथ। तो गाइस चेन तो कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि ये चेन जो होती है फिक्स चेन होती है, इसमें लॉक नहीं आता है। पहले जैसे चेन्स में लॉक आता था, मतलब आप लॉक खोलो तो चेन निकल जाती थी, फिर आपके लिंक्स आप निकाल के इसको फिर से आप फिट कर सकते थे। तो फिर भी मैंने लॉक का जुगाड़ किया, बोला अगर चेन काटने की ज़रूरत पड़े तो लॉक लगेगा। ये वो लॉक है, ये NS200 मतलब पल्सर NS200 का लॉक है। फिर भी मैं लेके आया, बोला अगर ज़रूरत पड़ी कट करने की तो ये लॉक से हम इसको काम चला लेंगे। तो गाइस जैसे मैं कह रहा था कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना, मतलब 2 महीने हो चुके हैं और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे इशू चल रहे थे पर्सनल लाइफ में, मतलब हेल्थ वाइज और ऑफिस का वाइज, तो बहुत सारे इशूज़ चल रहे थे। मैं आपको फुर्सत में बताऊँगा मैं कि किस मुश्किल से मैं गुजर चुका हूँ। कल शायद से मैं एक राइड मारूंगा और तभी मैं इस चेन का आपको रिव्यू दूंगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद किया आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।